फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए ताकि आप। कहते हैं कि दिल टूटने की गूंज दूर तक जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव का भी दिल टूटा है, जिसकी गूंज काफी दूर तक और काफी देर तक सुनाई दे रही है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा में ट्रेंडिंग स्टार के नाम से पुकारे जाते हैं। खेसारी लाल यादव के गाने इंटरनेट से लेकर फिल्मी गलियारों पर खूब धमाल मचाते हैं। यूं तो खेसारी लाल यादव को दर्शकों ने बड़े पर्दे पर हंसते गुनगुनाते हुए कई बार देखा है, लेकिन उनका रोता हुआ चेहरा बहुत कम बार ही फिल्मी पर्दे पर आपने देखा होगा। लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव ने इमोशनल सैड सॉन्ग शेयर कर अपने चाहने वालों की आंखों को नम कर दिया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। खेसारी लाल यादव का नया भोजपुरी गाना या खुदा रिलीज हो गया है। खेसारी लाल यादव के इस म्यूजिक वीडियो ने दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया है। 26 अगस्त के दिन खेसारी लाल यादव ने फैंस के बीच अपना बेहद ही दर्द भरा गाना या खुदा रिलीज कर दिया। रिलीज हुए इस गाने को यूट्यूब पर 369 के व्यूज मिल चुके हैं, वहीं 81 के से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक भी किया है। गाने में खेसारी लाल यादव काफी दुखी नजर आ रहे हैं। गाना खुद खेसारी लाल यादव ने ही गाया है। ये गाना टी सीरीज हमारा भोजपुरी पर रिलीज किया जा चुका है। इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर गर्दा मचा दिया है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का ये गाना सुनकर दर्शकों की आंखें नम हो गई हैं। टूटे दिल से निकले खेसारी लाल यादव के जज्बात सीधा दर्शकों के दिलों पर जाकर घर कर गए हैं। वायरल हो रहे इस गाने का टाइटल या खुदा रखा गया है। लगातार इस गाने पर व्यूज और लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव के गाने उनके नाम से रिकॉर्ड की सभी सीमाएं तोड़ डालते हैं, और जिस तरह से इस गाने पर व्यूज की गिनती बढ़ती जा रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि गाना जल्द ही मिलियन के क्लब में शामिल होने वाला है। आपको बता दें कि इस गाने को म्यूजिक विनय विनायक ने दिया है, साथ ही इस गाने की लिरिक्स अनुपम पांडे ने लिखे हैं। तो अंत में हम तो यही कहेंगे कि टूटे दिल से निकले खेसारी लाल यादव के जज्बात सीधे दर्शकों के दिलों पर जाकर घर कर रहे हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव का ये अंदाज अब तो हिट हो गया है गुरु। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।